समावेश संस्था मध्य प्रदेश में शिक्षा और विकास का काम कर रही है। वर्तमान समय में संस्था का शिक्षा कार्यक्रम हरदा और देवास जिले के 50 स्कूलों में चल रहा है। इस प्रोग्राम का एक खास पहलू यह है कि जमीनी स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्था के शिक्षक और कार्यकर्ता स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करें और समस्याएँ हल करें। इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा पहल रखा गया है। पिछले दिनों शिक्षा पहल प्रोग्राम के तहत एक यात्रा का आयोजन किया गया था। हम यह चाहते थे कि देश के कुछ अन्य इलाकों में जाकर शिक्षा के नवाचार के कुछ अच्छे कार्यक्रम देख पाएं, उनको समझें और उनसे सीखें। हमें पता चला था कि कर्नाटक की एक संस्था स्वामी विवेकानंद युवा अभियान SD कोटे तालुका में पालक शिक्षक मंचों को गतिशील बनाने का अच्छा काम कर रही है। कर्नाटक के इस सफर में हमारी टीम में कुल 16 लोग शामिल हुए, जिसमें से 7 लोग समावेश ग्रुप के थे, 3 लोग खाते गांव और खिड़किया ब्लॉक के सरकारी जनपद स्रोत केंद्र के थे और बाकी 6 लोग इन्हीं ब्लॉकों के जन शिक्षक थे। अपनी यात्रा की शुरुआत हमने SD कोटे तालुका से की, जहां हमें वहां की शासकीय विकास एवं निगरानी समिति की ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन की मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। यहां की भी शासकीय विद्यालय एवं निगरानी समिति सक्रिय नहीं थी। स्वामी विवेकानंद युवा अभियान को यह स्थिति चिंताजनक लगी और काफी सोच विचार के बाद युवा अभियान के साथियों ने तालुका स्तर पर एक शाला विकास एवं निगरानी समिति की फेडरेशन बनाई। इस फेडरेशन में पंचायत की सभी शालाओं के अध्यक्ष शामिल होते हैं और फेडरेशन की बैठक में अपने स्कूलों की समस्या पर चर्चा करते हैं। हमारी टीम ने भी ऐसी ही एक फेडरेशन की बैठक में भाग लिया और उसके काम के तरीकों को समझा। ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ SDMC ಅವರೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು। हर पंचायत स्तरीय शाला विकास समिति एक प्रतिनिधि चुनती है जो तालुका स्तर की बैठक में जाता है। तालुका स्तर पर पूरे तालुका की शालाओं की चर्चा होती है। यहाँ पर चर्चा में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे शाला विकास समिति का काम कैसे चल रहा है, वे स्कूल के विकास और निगरानी का काम कितने नियमित रूप से कर रहे हैं, क्या कक्षा में बच्चों के सीखने की गतिविधि अच्छी है, शाला में मध्याह्न भोजन की योजना कैसी चल रही है, उसमें किस प्रकार के सुधार की जरूरत है।
उनको सूचना रजिस्टर को निकालने के बाद देते हैं हम, तो क्या सूचना के आधार पर आ जाते हैं कि हम बार बार उनसे मिलके और फिर उनको मोटिवेशन करके बुलवाते हैं बेटा? हर माह ना उनको एक बार उनको बेटी बच्चे तो स्वेच्छा से मन से आ जाते हैं। अच्छा, मन कि बार बार उनसे मिलने जाना पड़ता है? नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं रहता बेटा बनाते। और आज के मीटिंग में इसका कोई कोई काम रहता है? क्या तकलीफ है? स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, और बच्चों के कोई बच्चे गैर हाजिरी है ही, उसको लाना कोई भी है तकलीफ है तो पहले उसको एजेंडा बना लेते हैं। वो एजेंडा बना के तो मीटिंग की वो तफसील है। उसको सवाल है जिससे आपके यहाँ पर सिंगल टीचर है और आस पास है, क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या व्यवस्था करते हैं? ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂದ ಐದೇ ತರಗತಿ ಗಂಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೀಚರು ಒಂದರಿಂದ ಐದೇ ತರಗತಿ ಗಂಟ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ತರಗತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾನಿಟರ್ನ ಆ ಮಗುಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳದು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆನಂತರ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿರಿಮಣಿ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಮುಂದರ್ತಿಗಿಂತ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. मीटिंग में बहुत सारी चर्चाएं निकलती है, जैसे समस्याएं निकलती है, तो उसको हल करने के लिए हम समाधान के रास्ते खोजते होंगे. लेकिन फिर कैसे तय करते हैं कि हम जो है वो समस्या का हल यहाँ करेंगे, और क्या बीच में मतलब जरूरत लगती है कि किसी साथी को दिक्कत आ रही हो या फिर कोई साथी नहीं कर पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? जब यहाँ कोई भी एक समिति बैठती, जब कोई भी एक बातचीत करने बैठते हैं, हर महाना एक मीटिंग बुलाते हैं. जब महाना जब मीटिंग बुलाते हैं तो इनमें कोई ना उनके कोई तकलीफ है तो बोलते रहते हैं, तो बहस चलती रहती है. वो बहस चलने से पहले एक संचालन समिति में एक उनमें तीन आदमी को खड़ा करके आए. जब उपसभानायक सभानायक जो बनाते ही वो उसको कंप्लीट कोशिश करता है, इसको कंट्रोल करके बात क्या करती है. आपस में तीनों जो सुधार करने के लिए जब बैठते ही तो जब ज़्यादा छेड़छाड़ होती है तो वो तीनों आदमी आपस में सुधार आगे करेंगे. शाला विकास एवं निगरानी समिति की मीटिंग देखने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी. हमारा अगला पड़ाव एक आश्रम शाला थी. यह शाला स्वामी विवेकानंद युवा अभियान द्वारा ही एचडी कोटे तालुका के बहुत अंदर के जंगल के इलाके में पिछले 15-20 वर्षों से चलाई जा रही है. हमारी जिज्ञासा यह समझने में थी कि बहुत ही पिछड़े आदिवासी इलाके में किस तरह की पढ़ाई हो रही है. यहाँ पर छोटी कक्षाएं खास तरह से डिजाइन की गई हैं कि हवा और लाइट की कमी न हो. कक्षा अलग अलग होने से बच्चों के खेलकूद और मस्ती करने का शोरगुल दूसरी कक्षाओं को बाधित नहीं करता. इस दूरदराज की आश्रमशाला में भी बच्चों और शिक्षकों के लिए एक अच्छा पुस्तकालय है. अपने सफर के दूसरे दिन आश्रमशाला के बाद हमारी टीम चामराजनगर में एक शिक्षा कार्यक्रम देखने गई. यहाँ पर पहले हमारी टीम ने पद्मा से बातचीत की जो चामराजनगर में कार्यक्रम का समन्वय करती हैं. हमने चामराजनगर चुना क्योंकि कर्नाटक में ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एजुकेशन दृष्टि से, और यहाँ पे कई हद तक एससी और एसटी लोग जन्मी हैं. इनफैक्ट चामराजनगर का ट्राइबल पॉपुलेशन, स्टेट का पूरा ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा चामराजनगर में ही रहता है. तो यहाँ पे आप कई आश्रमशाला भी देखेंगे जैसे हिस्ट्री कोटी में, और एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है. कर्नाटक में देखा जाए तो जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैदराबाद और आंध्र स्टेट बॉर्डर करते हैं वो भी बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं. उनके कार्यक्रम का लक्ष्य है स्कूल और समुदाय संपर्क. जैसे समावेश मध्य प्रदेश के दो जिलों के 50 स्कूलों में काम कर रहा है, उसी तरह उन्होंने एक जिले में 28 स्कूल चुने और यहाँ स्कूलों के साथ साथ समुदाय के साथ भी काम करना शुरू किया. दूसरा हमारा काम था इंटीग्रेटेड ब्लॉक और क्लस्टर डेवलपमेंट का.
हमने शुरू किया था एक सीआरपी कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स के साथ, और उस कोर्स के थ्रू ही हमें पता चला कि जो भी हम करना चाहेंगे उसको ब्लॉक के साथ जोड़ के हमें करना पड़ेगा। तो हमने दो ब्लॉक चुना, गुंडूपेट ब्लॉक और कोल्लेगांव ब्लॉक, और वहाँ पे रिसोर्स सेंटर डेवलप करना, रिसोर्स पर्सन्स डेवलप करना, और एसएसए के जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, और ट्रेनिंग को स्कूल फॉलोअप के साथ हम कैसे लिंकअप कर सकते हैं, उन विषयों पर हमने काम करने का कोशिश किया। उनकी कार्यक्रम का तीसरा भाग है भाषा का विकास। उन्होंने अपने बेसलाइन अध्ययन में पाया कि यहाँ पर बहुत से बच्चों की मातृभाषा कन्नड़ है, फिर भी अधिकतर बच्चे कन्नड़ में बहुत कमजोर हैं। उन्होंने तय किया कि कन्नड़ भाषा सिखाने के तरीकों में भी सुधार की जरूरत है। इस कार्यक्रम को स्कूलों में कैसे चलाया जाता है यह देखने हम चामराजनगर की कुछ शालाओं में गए। बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कहानियों का खूब प्रयोग किया गया है। यहाँ चित्रों की मदद से बच्चे खुद ही कहानी सुनाते हैं। वो लड़का कहीं कभी भी जंगल नहीं गया था। एक दिन जंगल गया, तब वो हिरण को देखा। हाँ, हिरण को देखा। वो जिंके का पीछे भागता रहता है वो लड़का, तब वो ये इसको क्या बोलते हैं, सारस, सारस सारस हंसता रहता है। तब एक हाथी को देखता है वो लड़का, हाँ उसके पीछे भागता है, तब एक इसको क्या बोलते हैं, खरगोश, खरगोश खरगोश मिलता है। बच्चे स्वयं करने और सीखने के लिए कार्ड का उपयोग करते हैं, जिसमें तरह तरह की गतिविधियां सुझाई गई हैं, जैसे चित्र बनाना, रंग भरना इत्यादि। इधर देखिए, ये सेल्फ लर्निंग कार्ड है, इसको स्वयं पढ़ने का कार्ड है, इसमें इधर कुछ चित्र है, कुछ पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने का है। इधर पीछे कुछ एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं इसमें। ये गतिविधियां में इधर ऊपर दिया है एक ब्रश, ब्रश माने पेंटिंग करने का। इधर पेंसिल दिया है, पेंसिल माने लिखने का। इधर कुछ हैंड ऐसा दिया है, ये है कुछ गतिविधि बनाने का, एक्टिविटी बनाने का। इस चीज को देख के बच्चों का सेल्फ और सेल्फ करने के लिए और स्वयं करने के लिए ये कार्ड दिया है। इसलिए कुछ यह बच्चों की अपनी पसंद की जगह है। बच्चे जो भी अच्छा चित्र बनाते हैं उन्हें इस दीवार पर लगाया जाता है। मेरा दीवार में इसमें बहुत इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि क्लासरूम लाइब्रेरी। अभी हर एक जगह ये ही क्लासरूम लाइब्रेरी, इसमें हम खुद बच्चे लिखते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं कवि हूँ। कुछ बच्चे कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो पहले इधर आता है। यहाँ आने से पहले शिक्षक देखते हैं, शिक्षक क्या देखते हैं, इसमें कुछ गलतियाँ हैं उसको करेक्शन करते हैं। इसमें दो चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, शिक्षक को बच्चों का कितना ज्ञान अर्जित है और कुछ गलत।
घर पर बच्चे जो कहानी या कहावत सुनते हैं उसे एक छोटी किताब के रूप में बनाते हैं। इस किताब पर बच्चे का नाम लिखकर यहाँ रखा जाता है। ये किताब में बच्चे लोग स्वयं बच्चे लोग का वो क्या बोलते हैं पुराने में गादे रहता है ना, गादे माने वो बुजुर्गों ने कुछ कहावत ऐसे कहावत यहाँ ये है ताड़ी दवनु बाड़िया। ताड़ी दवनु कौन बहुत धीरज रखता है वो जिंदगी में अच्छा जाता है। ताड़ी दवनु बाड़िया कौन धीरज रखता है वो जिंदगी में आगे जाता है। ये तीड़ी दवनु बाड़ियानु ये बच्चा लिखा है। ये गादे उन बच्चे लोगों को कैसा पता चलता है, वो घर जाता है उसको धादी धादा आजू बाजू कोई बुजुर्ग रहता है ना घर में माँ पिताजी ऐसे लोगों से गादे पूछते हैं सीखते हैं, बाद में ऐसा एक छोटा किताब बना के वो किताब में वो लिखते हैं। लिखने के बाद ये उनका नाम आर गिरीश, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आर गिरीश है ना ये हर एक बच्चा को पता चलता है ये गिरीश का पुस्तक है, गिरीश ने ऐसा चीज बनाया है। तब हर एक बच्चा खुद आता है आने के बाद वो किताब लेता है गिरीश का क्या लिखा है वो। हर बच्चे का अपना एक बैग होता है जिसमें वह अपने द्वारा बनाई गई चीजें जैसे पोस्टर किताब इत्यादि रखता है। यहाँ बैग्स देख सकते हैं हर एक बच्चे का है। हाँ। हर एक बच्चे का बैग्स है वो बैग के अंदर रख के और नया कुछ बनाता है वो ऐसा डिस्प्ले होता है वो जब घर को लेके जाके दिखाना चाहिए ऐसा बैग लेके जाके उसका घर में उसका माँ और पिताजी को मैं ये चीज़ मैं बनाया हूँ इसके बारे में वो शेयर कर। अगर घर में माताजी और पिताजी और कोई किसी को पता नहीं रहता है पढ़ने का वो खुद दिखाती है इसमें एक्टिविटी है कुछ स्वयं कर सकती है बच्चे वो देखो ऐसा मैं किया हूँ वो देखता है पिताजी और माताजी वो देखते हैं वो मेरा बच्चा कुछ किया है। चित्र तो उसको समझ में आ जाएगा जब अक्षर पता नहीं चलता है वो बच्चा बोल के बताए। इस शाला में हमारी मुलाकात शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष से हुई, उन्होंने शाला से जुड़े अपने अनुभव बताए। 1 to 4 I am studying year only. Okay. But compared to that days, the only few students are coming for learning at that time. But now every house must send the students. And what change do you see in your school and the children here in the last 1 or 2 years? But everybody wants to you see the students. Yeah. Everybody can cleanly they wear the good clothes. But and then everybody wants to learn something. That's a good sign. Yeah. But there are so many problems also there. Yeah. Now we wanted to improve the education. Yeah. And then dedicated teachers we want. Yeah. And I find that in some of these classes, there are more girls than boys. Yes, yeah, I think some schools, girls' majority is more than boys. Maybe it's because of nearest convents are, the convents are very near to the villages. Some boys, students have go to the convents also, from village. Usually boys will used to go convents. So boys are going to the convents. Why? Sir, here midday meal ka kitna paisa aata hai? इसे पर बच्चे पे पर बच्चे को 1 rupee 31 paisa 100 grams राइस इन एडंदो जैसे सेंट्रलाइज्ड कुकिंग हमें डेली क्या क्या खिलाते हैं डेली अन्ना सांबार एंड राइस एंड कर्ड्स नट्स बटर मिल्क। कर्नाटक के इस दौरे में हमने यह भी देखा कि बच्चों को भोजन में क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, साथ ही साथ हमने वहां सेंट्रलाइज्ड कुकिंग और उसके वितरण की प्रणाली को भी देखा।
ಸೌಮ್ಯಂದೋ ಕುಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನೆ ತಂದ ಕಿವನೆ ಬತ್ತವ ರಾಗಿ ಕುಯಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾನೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರಾಗಿ ಕುಯಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ चयन था ना कल, जैसे सर जो कविता पढ़ा रहे थे ना कि एक साइड चित्र है दूसरी तरफ ये है, तो उन्होंने जो कहानी का सिलेक्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कहानी में आवाज थी कुकड़ू कु कूड़, तो इस तरह से मतलब जो हर कहानी को पलटा के देखा, गजानंद भी देख रहे थे तो उस कहानी में हाँ मतलब आधे शब्द जो है वो टूटे हुए थे। जैसे बादल गड़ा था ना धड़म धड़म धड़म, उस तरह से मतलब बिजली चमकी गरड़ गरड़ बादल गरजे, तो इस तरह से जो शब्द होते हैं गरड़ गरड़, तो इसमें जो है बच्चों को बहुत मजा आता है। ऐसे ही शब्दों को अटपटे जैसे, हाँ उन्होंने अटपटे शब्दों का इस्तेमाल करके वो कहानी को बहुत बढ़िया सिलेक्शन किया है। ये कौशल तो है ही, उसके साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ वहाँ हिंदी का माहौल बना है, बोर्ड पे लिखा हुआ हिंदी में, उनकी भाषा में और अंग्रेजी में, तीन ही भाषा में लिखा हुआ है। कहीं वो वहाँ पर टीचर भी कहीं कहीं स्कूल में हिंदी का है, तो वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा परिचित भी है हिंदी से, मुझे ये भी लग रहा थोड़ा, चाहे वो बोल नहीं पा रहे लेकिन अपनी बात तो समझ तो रहे। मेरा वातावरण बनाने का मतलब वही था, वातावरण बनाए इस प्रकार का कि कोई भी भाषा यदि सीखना है या सीखना है या बच्चों को, तो उसी में बातें करें उसी में बोले, प्रयास थोड़ा थोड़ा उनके टीचर भी सीखे और एक माहौल बना कि अंग्रेजी की जब बात की पीरियड है तो हम कुछ बातें अंग्रेजी में बोले। यहाँ ये चीज दिखा कि रिटेंशन है, बच्चे 28 से 26 दिख रहे हो, ये बहुत जबरदस्त चीज है, अच्छी भूमिका दिख रहा है, उपस्थिति जो है मैंने सर उपस्थिति सर वो बहुत ही बढ़िया, मैंने टाइम वेस्ट करने का कोई चीज नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, अपने यहाँ मध्याह्न भोजन को लेकर ही बढ़ जाते हैं, अपन जो पूछते हैं तो मध्याह्न भोजन का ही कारण बताता है, लेकिन यहाँ मध्याह्न भोजन का कोई टेंशन नहीं, भी असर पड़ता है उपस्थिति का, और वो जो दे रहे हैं बहुत अच्छा क्वालिटी भी है, मैंने बच्चों को एक तरह पूरी तरह मोटिवेट करने में टीचर का बहुत अच्छी रोल है, ये उपस्थिति जो बढ़िया है एक तो, और बच्चों की पढ़ने का जो लेवल है वो इतना अच्छा है, उसका कारण मुझे एक तो ये समझ में आएगा, हर बच्चे को वहाँ एक मौका मिलता है, एक मंच मिलता है, बात करने की आजादी है, साथ में हर बच्चा व्यस्त रहे, इसके लिए सामग्री है तरह तरह की, हर बच्चों के लिए, पांचवी के बच्चों के लिए भी है तो पहली के बच्चों के लिए भी, तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं जिस स्तर पे हैं उनके पास इतनी पर्याप्त तो सामग्री है कि वो अपनी एक्टिविटी कर पाए। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक 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 जाता हाथी, धम्मक 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 आता हाथी, धम्मक 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 जाता हाथी, धम्मक धम्मक हाथी अपनी पूंछ हिलाता हाथी, अपनी पूंछ हिलाता हाथी अपनी पूंछ उठाता हाथी, अपनी पूंछ उठाता हाथी अपनी पूंछ गिराता हाथी, अपनी पूंछ गिराता हाथी हम
चमक आता है।